हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सबका रॉयल एस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आज 17 दिसंबर 2021 के द हिंदू के एडिशन के मेन उस न्यूज को एनालाइज करेंगे जो यूपीएससी या किसी अन्य स्टेट पीसीएस के व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो सबसे फ्रंट पेज है आज के द हिंदू का, उसमें राजस्थान गवर्नमेंट का कुछ ऐड आया है, बट ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको। इस गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लाए हैं, जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। अब यूपीएससी इस पे क्वेश्चंस बना सकती है, एक तरफ स्टेट डाल करके और एक तरफ ऐसे जितने भी योजनाएं हैं उनको डाल करके, और आपको मैच करने के लिए कहा जा सकता है। अगर आप स्टेट पीसीएस देने जा रहे हैं तो किसी भी स्टेट में किसी दूसरे स्टेट का पूछा जाता है अगर वो योजना काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो। जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, और आप नीचे देखें कि ईच फैमिली इज गेटिंग फ्री ट्रीटमेंट ऑफ ₹5 लाख। कहीं ना कहीं ये राजस्थान गवर्नमेंट सीधा सीधा जो इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का आयुष्मान योजना है, उसके पैरेलल में ये एक योजना है। आयुष्मान सब पे बाइंडिंग नहीं है, दैट्स वाई स्टेट फ्री है कि वो अपने लेवल से कोई भी योजना ला सकता है। सेम अमाउंट यहां भी देने की बात की गई है, और अगर आप डिटेल में इसे जानना चाहेंगे तो आपको सारे लगभग कंडीशंस वही मिलेंगे कि टर्सियरी और सेकेंडरी इलाज के लिए, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी में क्या होता है, कहीं थोड़ा सा हाथ कट गया, पैर कट गया, कट गया इन द सेंस कि केवल स्किन ये हो गया है, थोड़ा सा ब्लड आ गया, तो उसके लिए आपको 5 लाख नहीं मिलेंगे। ये सीरियस जो डिजीज होते हैं उनके लिए है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान गवर्नमेंट की एक योजना है, जिसमें एक फैमिली को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे फ्री ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा इनका योजना एक और है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। आपने कुसुम का नाम खूब सुना हुआ है। कुसुम एक योजना है जिसमें किसान को सोलर लाइट, सोलर एनर्जी यूज करने के लिए प्रमोट किया जाता है। सेम यहाँ पर स्टेट लेवल पर राजस्थान गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू किया है। आप मुख्यमंत्री को दोनों योजना में से हटा करके केवल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और किसान मित्र ऊर्जा योजना भी याद रख सकते हैं। ये योजना केवल आपके लिए याद रहे, यही काफी है स्टेट के व्यू से। जब तक कि आप राजस्थान पीसीएस, जिसे हम रास बोलते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं, और बच्चों के बीच में काफी फेमस है, एस्पिरेंट्स के लिए काफी फेमस है ये, यहाँ लोग पेपर देने जाते हैं। अगर आप राजस्थान का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो इसके अंदर क्या प्रोविजन है वो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज यूपीएससी के लिए आप ये दो टर्म का नाम याद रखें, वो भी काम चल जाएगा आपका अगर यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन बनाया तो। एक और योजना है, इसका नाम है उड़ान। उड़ान एक्चुअली 2-3 प्रोग्राम चल रहा है कंट्री में। एक तो वो एरोप्लेन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फ्लाइट जो लॉन्च किया गया है उसका भी नाम उड़ान है। एक उड़ान है जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया है, जिसमें लोगों को स्किल किया जाता है। ये जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के अब ऑल इंडिया लेवल पे अप्लाई किया जा रहा है, वो भी उड़ान है। ये उड़ान है राजस्थान सरकार का, उड़ान या उड़ान UDAAN। इसमें फ्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा सैनिटरी नैपकिन्स का ऑल एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन। एडोलेसेंट ध्यान रहे आपका, आप पढ़े लिखे हैं आप समझ सकते हैं कि सबको सैनिटरी नैपकिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली एडोलेसेंट को दिया जाएगा ये। इस प्रोग्राम का नाम है उड़ान। तो ये कुछ राजस्थान गवर्नमेंट की योजनाएं थी। बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। मेन पृष्ठ पे आते हैं द हिंदू के। ये एड आया हुआ था जिसे हम देख रहे हैं अब तक, और वो एड अपने लिए इंपॉर्टेंट था। जो मेन पेज है उसपे कुछ न्यूज इंपॉर्टेंट हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल आया है बुल्लक कार्ट रेस को स्टार्ट करने के लिए। ये जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु का जो जिला कत्थू है, या इस टाइप से जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं उसे, उसी टाइप से महाराष्ट्र में भी एक बुल्लक कार्ट रेस हुआ करता है, बैलगाड़ी का रेस हुआ करता है। ये 2017 में इस पर प्रोहिबिशन लग गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कल्चरली आर्टिकल 29 को ध्यान में रखते हुए, आर्टिकल 29 आपके कल्चरल प्रमोशन को प्रमोट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेंड करता है। तो आर्टिकल 29 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, ये अप्रूव कर दिया है कि ठीक है, आप बैलगाड़ी का रेस यानी बुल्लक कार्ट का रेस कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र में फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड 10 बिलियन क्रॉस कर गया है, बहुत खुशी की बात है। आपको क्या याद रखना है कि बांग्लादेश फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है पूरे वर्ल्ड में, यानी सबसे ज्यादा चौथे नंबर पर इंडिया अपना एक्सपोर्ट बांग्लादेश को करता है, नॉट इम्पोर्ट। एज वेल एज साउथ एशिया में, जिसमें कि ये सारे कंट्रीज आ जाएंगे बांग्लादेश के साथ साथ, म्यांमार टाइप के भी आ जाएंगे, इंडोनेशिया भी आ जाएगा इन सब में, हालांकि वो साउथ ईस्ट एशिया उन्हें ज्यादातर कहा जाता है, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, इन सब में बांग्लादेश लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है ओवरऑल। बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल आया है, प्रधानमंत्री हमारे चिंतित हैं इस बात को लेकर के कि फार्मिंग प्रैक्टिस को करेक्ट किया जाए। इनका जोर चल रहा है अभी नेचुरल फार्मिंग पर, केमिकल फ्री फार्मिंग पर। ये कह रहे हैं कि लेबोरेटरी से केमिस्ट्री को बाहर निकाल करके और फील्ड में लाया जाए। इन्होंने कहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर को रिप्लेस करना है, पेस्टिसाइड को रिप्लेस करना है, और हमें नेचुरल, जो नेचुरल स्टफ होते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उसकी तरफ जाना है, जिसमें कि यूरिन ऑफ इंडिजिनस काउ जाता है, डंग उनके आते हैं, इन सारी चीजों को हमें, प्रधानमंत्री जी का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि इन चीजों को हमें प्रमोट करना है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है, आपको याद होगा 2019-20 में दोनों साल में मिला करके चार कोड आए थे। ये कोड लेबर कोड थे, और ये जितने भी इंडिया में लेबर कोड्स हैं, लेबर लॉज थे, उन सबको मर्ज करके केवल चार कोड में लाया गया था। कोड का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे लॉज हों। ये चार लॉज नहीं है, इनमें 50 से अबव लॉज हैं थे, जिन्हें की मर्ज करके अब केवल चार कोड में बदल दिया गया है। इन कोड्स के नाम इंपॉर्टेंट हैं, अनलेस एंड अदरवाइज आप एक पर्टिकुलर कोई लेबर का पेपर, जैसे बीपीएससी में एक पेपर होता है और लेबर से रिलेटेड ऑप्शनल होता है, अगर उसकी तैयारी आप नहीं कर रहे हैं तो आपको ये चार नाम भी कोड में याद रहेंगे तो बहुत है। कौन से ईयर में आया, इसमें कोड ऑन वेज, ये अगस्त 2019 का कोड आया हुआ है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आईआरसी 2020 का है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इसे शॉर्टकट में हम बोलते हैं OSHW कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ये सितंबर 2020 में आया है। तीन कोड 20 में आए हैं, 2020 में लाया गया था, जबकि एक कोड कोड ऑन वेज 2019 में लाया गया था। ये वही कोड ऑन वेज है जिसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेज एक ग्रांट दिया जाता है मनरेगा में या किसी भी ऐसे गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। ये मुंबई का एडिशन है तो बहुत सारे दिल्ली के लोकल न्यूज आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि उसकी हमें जरूरत भी नहीं होती है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है श्रीनगर को, श्रीनगर जो जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल हुआ करता था, ये समर कैपिटल हुआ करता था, विंटर कैपिटल उसका जम्मू हुआ करता था। अब चूंकि जम्मू और कश्मीर स्टेट नहीं है, यूटी है, तो अब भी इसका श्रीनगर वही वैल्यू है जो पहले था श्रीनगर का जम्मू एंड कश्मीर के लिए। श्रीनगर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में पुट किया है, टैग दिया है कि श्रीनगर इज वेरी क्रिएटिव सिटी। वाई, वहां पे जो वुड कार्विंग है, लकड़ी के डिफरेंट डिफरेंट चीजों में जो नक्काशी की जाती है, उसके लिए श्रीनगर बहुत फेमस है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये दो लोग अपने हाथों में लकड़ी का कुछ लिए हुए हैं जिसपे नक्काशी किया हुआ, इन्होंने आर्ट बनाया हुआ है, आर्ट का एग्जीबिशन किया हुआ है इस वुडन प्लेट पर। सो यूनेस्को ने श्रीनगर को एक टैग दिया है कि यू आर वन ऑफ द क्रिएटिव सिटीज इन द वर्ल्ड, नेटवर्क में शामिल कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक है मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य में, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का योजना है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य में उन विडोज को जो कोविड के टाइम पे विडो हुई हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हुई है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया था, उसमें पता चला कि लास्ट ईयर मार्च से लगभग 16,500 महिलाओं ने अपने पति को खो दिया है। तो होता क्या है कि एक लेडी के लिए, एक महिला के लिए इंडिया में आज भी उसका जो सोशल रिकॉग्निशन है वो उसके पति के थ्रू होता है। चाहे उसके बेटे का एडमिशन करवाना हो, बेटी का करवाना हो, बाप का नाम लिखा जाता है, मदर का नाम बाद में पूछा जाता है। आप इसे चाहे डिस्क्रिमिनेशन कहें, डिसइंपावरमेंट कहें, या जो भी हो, बट दिस इज द फैक्ट। इनफैक्ट वुमेन के लिए बहुत कुछ करना कंट्री में बाकी है अभी।
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पहल लिया है, अपने आप में बहुत यूनिक और सराहनीय कदम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, कि इन्होंने कहा है कि अब से किसी भी वीडो को जिसने कोविड के टाइम पे अपने पति को खो दिया है, उसके साथ उसके फैमिली वाले या सोसाइटी अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो उन्हें लॉ फेस करना पड़ेगा। इस योजना का नाम है मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, जो कोविड में वीडो हुए महिलाओं को सपोर्ट करता है हर तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। कंट्रोलर एंड एडिटर ऑडिटर जनरल, जिन्हें कि हम गार्जियन ऑफ पर्स कहते हैं, पब्लिक पर्स करते हैं, हमारे पर्स में कितने पैसे आएंगे कितने जाएंगे, ये एक्चुअली कैग डिसाइड करता है। ये बहुत बड़ी चीज है जो यूपीएससी के एस्पिरेंट बहुत अच्छे से समझते होंगे। कैग को टाइटल ही दिया जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर लिया जाए और याद किया जाए कि कैग न केवल पब्लिक पर्स का गार्जियन है, कैग एडवाइस भी देता है और जरूरत पड़ने पर पैर भी खींचता है गवर्नमेंट के। जैसे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कैग ने ब्लेम किया है कि कंट्री में जो एलिफेंट के डेथ होते हैं इनके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपने उन जगह पे जहां पर जरूरत थी केबिन बनाने की, जहां पर जरूरत थी गेट लगाने की, आपने नहीं लगवाया है। और ये आया है सर्वे तमिलनाडु और केरला के जगह से। सो कैग का ये भी काम है कि वो एक रिकमेंडेशन भी देता है कि आप ये चीज करें। तो कैग केवल नॉट ओनली केवल ऑडिट करता है बल्कि ये रिकमेंडेशन भी देता है। एक और न्यूज है, मंडलम और मकरविकेलु, ये फेस्टिवल है केरला का। इस फेस्टिवल को केरला के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मनाया जाता है और सबरीमाला में बहुत धूमधाम से इसका आयोजन किया जाता है। तो वहां केरला के हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है कि जो त्रावणकोर देवाश्रम बोर्ड है, जो सबरीमाला अयप्पा टेम्पल की देखरेख करता है, वो सफिशियंट स्टाफ के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में हेल्प करे। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अक्सर हम ये जो वेदर वॉच आता है साइड में, हर पेपर में, न्यूज पेपर में आता है, उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट हमें एटलीस्ट मंथ में एक बार जरूर देखना चाहिए। बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें हैं और आपको पता है कि यूपीएससी का बहुत हॉट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं इससे, प्री में भी और मेन्स में भी। इंटरव्यू में तो आपको अवेयरनेस पक्का माना जाएगा कि आप इन चीजों से अवेयर हैं। सो व्हाट इज हेयर, एयर क्वालिटी कोड कलर्स में दिखाए जा रहे हैं। पुअर का मतलब रेड, मॉडरेट का मतलब ऑरेंज एंड गुड का मतलब ग्रीन। ये तीन कोड है, पुअर, मॉडरेट एंड ग्रीन, मींस रेड ऑरेंज एंड ग्रीन। ग्रीन नो डाउट, ग्रीन का मतलब गुड हो गया, इन दो में कंफ्यूजन नहीं हो। रेड का मतलब पुअर और ऑरेंज का मतलब मॉडरेट। कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनके बारे में कहा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर कैन हार्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम मेकिंग ब्रीदिंग डिफिकल्ट। इट कैन अफेक्ट विजिबिलिटी बाई रिएक्टिंग विद अदर एयर पार्टिकल्स टू फॉर्म हेज एंड स्टेन कल्चरली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज स्टैच्यू एंड मोन्यूमेंट्स। ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था कि वहां के आसपास जितने भी रेन एसिड करवाने वाली फैक्ट्रीज हैं इनको क्लोज किया जाए। सिमिलरली NO2 नाइट्रस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी इलनेस को एग्रेवेट करता है और बढ़ा देता है, सांस लेने में और तकलीफ होगी, हेज कॉज करता है। एक्चुअली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के लिए कंबाइनली, कॉज इज एसिड रेन में यहां मेंशन भी है। ये देखिए पॉलिट्स, कोस्टल वाटर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सबको पता है हमारे ब्लड में ये मिल करके और फिर हमारी जो कैपेसिटी है एयर को, ऑक्सीजन को लेने की, उसे कम कर देता है। इससे के कारण अगर आप काफी देर तक कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सपोजर, कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्सपोजर में रहेंगे, नॉट डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपको डिजीनेस होगा, थोड़ा लगेगा कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, कन्फ्यूजन होगा, अनकॉन्सियसनेस होगा और इवन डेथ होगा। दैट्स वाई मना किया जाता है कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। बाकी स्मोक करते हैं करने दो, अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट स्मोक करता है वो कंफ्यूज रहेगा ऑप्शन में कौन सा सही है कौन सा गलत है। दिस इज साइंटिफिक रिजल्ट, मैं नहीं बोल रहा हूं अपने मन से। PM2.5 एंड PM10 ये पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। मैं एक बार कहूंगा कि ये जितनी चार हैं इन्हें डिटेल में आप हमेशा रेडी रखें अपने पास। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। पॉल्यूशन के बाद चार मीनार आज चर्चा में है, चार मीनार आज आया है न्यूज में। चार मीनार्स आर गेट ए न्यू ग्लो, उसे रिनोवेट किया गया है। अपने लिए क्वेश्चन यह है कि चार मीनार है कहां, सबको पता है हैदराबाद, किसने बनवाया था
ये आपको आज के बाद याद रखना है, ये एक मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। आपको अगर कुतुब शाह भी याद आ जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुतुब शाह पूरा नाम है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। एक डायनेस्टी थी वहां पे, कुतुबशाही डायनेस्टी थी, उसका ये फिफ्थ किंग था, इसने चार मीनार बनाया था। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में वर्ड फ्लू चर्चा में है। वर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू ये दो चीजें होती है, वर्ड फ्लू का कोड और स्वाइन फ्लू का कोड। ये यूपीएससी का हॉट टॉपिक है, कभी कंफ्यूजन नहीं हो, सो आज के आज ये क्लियर हो जाए। वर्ड फ्लू का मतलब है H5N1, दिस इज वर्ड फ्लू, जो कि चिकन वगैरह से होता है। यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स हैं डक्स फैमिली के, इनको मार दिया गया है ताकि कर्व किया जा सके वर्ड फ्लू पैंडेमिक को फैलने से। वर्ड फ्लू का कोड क्या है? H5N1। H5N1 इज द कोड ऑफ वर्ड फ्लू एंड H1N1 इज द कोड ऑफ स्वाइन फ्लू। मैं यहाँ H1N1 को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, आपको केवल एक याद हो, दूसरा याद रखने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी के प्री के लिए अक्सर कहा जाता है कि अगर किसी को यूपीएससी को चीट करना आता है तो वो प्री क्वालिफाई कर सकता है। बहुत हद तक सही बात है। आपको यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू हॉट टॉपिक है दोनों दोनों में से किसी एक का अगर कोड आपको याद रहे तो दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है। या तो स्वाइन फ्लू याद कर लो, जो कि पिग में होता है, जानवरों में होता है, या फिर वर्ड फ्लू का याद कर लो, H5N1। यहां मैं H5N1 पे जोर दे रहा हूं कि आपके बाद ये नहीं भूलना है, स्वाइन फ्लू अपने आप याद रहेगा कि H1N1 होता है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एडिटोरियल में आज बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, लैक ऑफ पब्लिक डाटा ऑन पेंडेमिक विल हिट द इंटीग्रेशन ऑफ ए फास्ट शिफ्टिंग साइंटिफिक फ्रंटियर विद क्लिनिकल प्रैक्टिस। मेंस के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें सारी चीजें डिटेल में बताई गई है, कैसे कोविड को टाइम रहते अगर कभी नेक्स्ट वेव आता है तो उसे कंटेन किया जा सकता है, डाटा कितना जरूरी है, ये सारी चीजें डिस्कस की गई है इसमें, तो एक बार जरूर आप देख लें इस आर्टिकल को। उसके नीचे का आर्टिकल भी आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है। जनरली एडिटोरियल में मैं रुकता नहीं ज्यादा देर हूं, बट आज ये दोनों आर्टिकल बहुत अच्छे आर्टिकल हैं, इन दोनों आर्टिकल से आप एक बार जरूर गो थ्रू हो लें, मेन आइडिया मैं दे देता हूं आपको। सेकेंड वाले में WTO की चर्चा की गई है। WTO कई इस बार बैड रीजन के कारण भी चर्चा में रहा है, जैसे वो IPR का जो प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाले में, जिसमें कि जब कोविड वैक्सीन की बात हो रही थी तो वेस्टर्न कंट्रीज ने मना कर दिया कि नहीं, IPR को हटाया नहीं जा सकता है। इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील, इन तीनों ने कहा था कि कुछ दिन के लिए तो रिमूव कर दो ताकि हम भी वैक्सीन बना सकें या बाकी के कंट्रीज बना सकें। WTO फेल हो गया ये समझौता करवाने में, तो ये बैड रीजन है WTO के लाइमलाइट के लिए। वैसे इंडिया का WTO के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है, WTO का एक भी डिसीजन आज तक इंडिया के फेवर में एक ग्लोबल लेवल पे नहीं रहा है, छोटी मोटी चीजों को छोड़ दें तो, चाहे वो तीन बॉक्सेस हो, ग्रीन ऑरेंज और एक जो आपका नारंगी रंग का, जिसे आप या एम्बर बॉक्स बोलते हैं, ग्रीन ब्लू एंड एम्बर बॉक्स, इन तीन बॉक्सेस का ओरिजिन क्या है? इन तीन बॉक्सेस का ओरिजिन है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एक हॉट टॉपिक है मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। इस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि 10% आप टोटल दे सकते हैं सब्सिडी के फॉर्म में, 10% जो लगेगा लागत उसका, उससे ज्यादा अगर देंगे तो फिर आपको बॉक्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये डिटेल में पढ़ने की न्यूज है, एक बार आप इसे डिटेल में जरूर पढ़ें कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है क्या चीज, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स का क्या मतलब है, इन चीजों को आप जरूर याद रखें। आज द हिंदू ने जो खुद का एडिटोरियल निकाला है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसमें इन्होंने UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बारे में बात की है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, लाइक ILO। ILO क्या है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में आया है अफस्पा के बारे में, पर्सनल थॉट है तो जरूरी नहीं है कि आप इस थॉट से, इस एसे से आप सहमत हो, लेकिन आप पढ़ सकते हैं जानने के लिए कि ये चीज क्या है। जैसे यहाँ कहा गया है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अफस्पा, ये आया कब था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1958 में आया था। अफस्पा कब आया, CBI, दिल्ली पुलिस के कौन से एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से आया, इन सबको यूपीएससी मैट्रिक्स मैच में दे सकती है आपको, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन डाल देगी, एक दूसरी तरफ उसके फॉर्मेशन ऑफ ईयर रहेंगे।
तो फिलहाल के लिए इस आर्टिकल से अफस्पा 1958 में आया था, ये हमें याद रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में पाकिस्तान से बांग्लादेश को बने हुए 50 साल हुए, काफी जोर शोर से चीजें चल रही है, कल भी हमने इस पे डिस्कस किया था, इस पर एक अच्छा आर्टिकल आप जरूर बना लें इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पर, क्वेश्चंस मेंस में जरूर पूछे जाएंगे, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो। 50 ईयर्स इज अ मार्वेलस ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है 50 ईयर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पब्लिक सेक्टर बैंक यूनियंस गो ऑन टुडे स्ट्राइक, बैंक वाले कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे, क्यों करोगे भाई? एक बिल लाया जा रहा है पार्लियामेंट में, इस बिल का नाम है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल, जिसमें ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का शेयर पब्लिक बैंक में रिड्यूस कर दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन पहले ही हो चुका है, मैं 1969 की बात नहीं कर रहा हूँ, जब 14 बैंक को इंदिरा गांधी जी ने कर दिया था, मैं 2018, 19 और 20 की बात कर रहा हूँ, जब बहुत सारे बैंकों को मर्ज करके लार्जर बैंक में मिला दिया गया है। तो इसका वो विरोध कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना शेयर कम कर रही है, तो काम करने वाले को डर है कि जब प्राइवेट सेक्टर वाले आएंगे तो वो प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे, फिर ऐसा नहीं होगा कि मुंह में पान लेकर के और कस्टमर से बात कर रहे हैं, जैसा कि एक जनरली बैंक का इमेज है हमारे दिमाग में। फिलहाल बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। कैबिनेट नॉट टू रेज गर्ल्स मैरिज एज टू 21, बहुत वर्षों बाद एक अच्छी न्यूज सुनने को मिल रही है, वो भी कैबिनेट के द्वारा। कैबिनेट ने गर्ल्स मैरिज एज को 21 साल करने का निर्णय लिया है। अब ये बिल बनेगा, बिल वहां पास हो जाता है तो ठीक है, अगर फिर से कोई बाल गंगाधर तिलक मिल गए पार्लियामेंट में तो अलग बात होगी। मैं बाल गंगाधर तिलक का नाम क्यों ले रहा हूँ, याद कीजिए 1891 का कंसेंट ऑफ एज एक्ट, जिसमें ये कहा गया था कि लड़कियों की उम्र 8 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दी जाए। गोपाल कृष्ण गोखले फेवर में थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ठीक है कर दिया जाए, लेकिन तुम कहने वाले कौन होते हो? उन्होंने कहा कि अंग्रेज ये नहीं बताएंगे हमें कि कितनी एज कर दी जाए, अंग्रेजों को हमारे कल्चर से छेड़छाड़ करने का कोई राइट नहीं है। हालांकि ये गलत था, तिलक का ये स्टेटमेंट गलत था, ये सपोर्ट गलत था, गर्ल्स का एज उस टाइम भी 8 to 12 होना चाहिए था और आज के टाइम में भी 21 होना चाहिए। सो कैबिनेट ये नोट दिया है, अब इस पे आप नजर बनाए रखें, कब ये एक्ट बन जाएगा, क्या क्या प्रोविजन होंगे, ये सब पर नजर आप बनाए रखें। फिलहाल इस एक्ट का नाम होगा प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में लाया गया था, वैसे पहले से है चाइल्ड मैरिज एक्ट, बहुत पहले ईश्वर चंद विद्यासागर जी की देन है, इन सबकी देन है, राजा राम मोहन राय वगैरह इसमें शामिल रहे हैं, बट पार्लियामेंट ने जो लेटेस्ट पास किया था वो अमेंड करना है, अब हमें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को पीसीएमए को जो 2006 में लाया गया था 2006। फिर से ये बुल्लुक कार्ड का इस बार डिटेल में दिया गया है, महाराष्ट्र का हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, इसमें ये प्रोविजन दिया हुआ है कि ऐसा ऑर्डर कि किसी गेम को, किसी ऐसे फेस्टिवल को, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कब बंद करो जो जानवरों को प्रताड़ित करने से, जानवरों को तकलीफ देने से रिलेटेड है। एक्चुअली हमारे कंट्री में एक एक्ट है, नाम है उसका पेटा या पीसीए बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट बोलते हैं, 1960 में ये एक्ट लाया गया था, जिसमें ये प्रोविजन है कि अगर किसी भी जानवर को तकलीफ दिया जाता है तो वो तकलीफ देने वाला लायबल होगा लॉ का। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जलीकट्टू, बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे जलीकट्टू, और ये बुल्लक कट महाराष्ट्र का, जलीकट्टू कहाँ का है, कर्नाटका और तमिलनाडु का, तो इन दोनों को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 29 का हवाला देते हुए, रेफर करते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया था। फिलहाल कल फैसला ये आया है कि बुल्लक कट जो गेम है, बुल्लक कट जो ऑर्गेनाइज करते हैं महाराष्ट्र में, उसे किया जाए। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये तीन महान आत्मा दिख रहे हैं आपको, पुतिन, मोदी और जी, ये तीनों एक्चुअली G20 समिट में शामिल होने का प्लान बना रहे हैं, और ये G20 समिट अब 2021 का तो हो चुका है, कहाँ हुआ था, ये रोम में हुआ था 2021 का, आपको 22 का आपको याद रहे, क्या इंडिया है इसका मैं हिंट देता हूँ, क्या इंडिया चेयर करेगा G20 को, क्योंकि 2020 का तो रोम में, 21 का तो रोम में हुआ था और 19 का यहाँ दिया हुआ है, ऑब्वियस ही बात है 19 तो इंडिया में हुआ नहीं था। ये G20 है क्या? G20 ग्लोबल इकोनॉमी का एक ग्रुप है, सो गो थ्रू इट कि इसका 2022 का जो सम्मिट होना है वो कहाँ पर होगा। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।
नेक्स्ट आर्टिकल, नेशंस इंटरेस्ट ऑलवेज ट्रम्प्स द इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट, ये लाइन कहीं चिपका कर रख लो अपने घर के और खिड़की के दरवाजे पर। मेंस की स्टार्टिंग अगर किसी क्वेश्चन की इस लाइन से हो गई या एंडिंग इस लाइन से हो गई, मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, नेशंस इंटरेस्ट ऑलवेज ट्रम्प्स द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मीन्स राष्ट्र का, नेशन का, नेशन के बारे में जो चीजें होंगी वो हमेशा ऊपर रहेगी किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और ये लिखने लायक स्टेटमेंट है। जहां मौका मिले फिट कर दो इस स्टेटमेंट को, चाहे वो एसे हो या मेंस का किसी जीएस का पेपर हो। प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली एक डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था 2019 में, पार्लियामेंट में खूब हो हंगामा हुआ था, प्राइवेट लाइफ में सेंध लगाने की बात की गई थी इस डाटा प्रोटेक्शन बिल से। इसमें अमेंडमेंट की बात की जा रही है, ये एक्चुअली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया था कि ठीक है इसको ढंग से चेक करके फिर से लाया जाए, अभी एक्ट बना नहीं है। डाटा प्रोटेक्शन बिल, तो इसमें नजर रखें कहां कहां तक ये जाता है, कहां कहां घूम रहा है, आप भी इसके साथ घुमा करें। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है स्पेयर ओवर यूनेस्को टैग फॉर दुर्गा पूजा इन बंगाल। आपको याद होगा कल के न्यूज में था कि यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल हेरिटेज टैग दिया है। उसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, जैसे कलवेलिया डांस है उसे भी ये टैग मिला हुआ है। तो उसपे पॉलिटिक्स होना इंडिया में आम बात है, बट हमारा इंटरेस्ट इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा कि यूनेस्को उसे वापस ले लेगी, तो आपको याद रखना है कि दुर्गा पूजा भी उस लिस्ट में आ गया है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। JUH प्रोटेस्ट अगेंस्ट सऊदी अरबिया बैन ऑन तबलीग्स। ये तबलीग्स वही हैं जिनको पॉलिटिकली काफी टॉर्चर किया गया था जब कोरोना स्टार्ट हुआ था। कोरोना स्टार्टिंग में इनका बहुत बड़ा हाथ माना गया था, कुछ लोग एक जगह से निकले थे, ये तबलीग्स जमात में निकलते हैं, जमात में अपना जो भी इनका रिलीजियस अफेयर होता है उसे कंप्लीट करते हैं। तो JUH एक्चुअली जमाते उलेमा ए हिंद है, हिंदुस्तान में वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लाम के लिए काम करता है। इसने प्रोटेस्ट किया है सऊदी अरबिया के बैन पे, सऊदी अरबिया ने इन पे बैन लगा दिया है। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही तबलीग है जिसपे पूरे कंट्री में पॉलिटिक्स हुआ था, और सऊदी अरबिया जो खुद को इस्लाम का चैंपियन करता है, इस्लामिक वर्ल्ड का खुद को ऑनर मानता है, वो अगर अपने खुद के जो प्रेयर करने वाले हैं उस पे अगर बैन लगा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं VHP डिमांड्स कंप्लीट बैन ऑन तबलीगी जमात। तो ये पॉलिटिक्स है, बट सऊदी अरबिया ने बैन लगाया, ये बहुत बड़ी बात है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। US इम्पोजेड सैंक्शंस अगेंस्ट चाइना ओवर एब्यूज ऑफ उगर्स। ये उगर्स कौन है? ये उगर्स चाइना में ट्राइबल है, ये ट्राइब्स हैं जो हमेशा चाइना के हाथों, जो चाइना मेन स्ट्रीम का कंट्री है, मेनलैंड कंट्री है, उसके हाथों ये हमेशा टॉर्चर किए जाते हैं। तो यूएस क्या किया है इसने, यूएस तो मौका ढूंढते रहता है, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो वहां पर हांगकांग हो, हांगकांग में भी जो काफी प्रोटेस्ट हुए थे यूएस का बहुत बड़ा हाथ था वो करवाने में, हुआ हालांकि फाइनली कुछ नहीं। एनीवे ये उगर्स जो ट्राइब हैं ये चाइना में पाए जाते हैं, चाइना के पार्ट हैं। EU समिट टू डिस्कस अ स्प्रेड ऑन ओमिक्रॉन। EU यूरोपियन यूनियन का समिट जो होगा, जिसके आपको इंपॉर्टेंट क्या है, समिट तो चलो होता रहेगा, इसमें अभी टोटल 27 मेंबर रह गए हैं ब्रिटेन के बाद। EU में टोटल केवल और केवल 27 मेंबर रह गए हैं, जैसे इंडिया में 28 स्टेट रह गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के बाद। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नॉर्थ कोरिया ट्राइंग टू हाइड एग्जीक्यूशन फ्रॉम वर्ल्ड। यहाँ नॉर्थ कोरिया कहना सही नहीं रहेगा, नॉर्थ कोरिया का मतलब ये अपने आप में एक वर्ल्ड है, दुनिया से इसे किसी को मतलब ही नहीं है, इसे दुनिया में और किसी से ना तो ये कुछ लेता है ना तो कुछ देता है। हाँ चाइना अगर हेल्प कर रहा हो, इंडिया ने भी बहुत पहले वीट वगैरह भेजा था, बट नॉर्थ कोरिया के पॉलिसी को, नॉर्थ कोरिया के सर्वाइवल को ये एक केस स्टडी का सब्जेक्ट है। नॉर्थ कोरिया कैसे सर्वाइव कर रहा है और ये कैसे टाइम टू टाइम पे धमाका करते रहता है और धमकाते रहता है, इतना सेक्लूडेड होकर के, बिल्कुल सेपरेट होकर के, ये एक डिस्कशन का सब्जेक्ट जरूर है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। टाइफून राय, सुपर टाइफून राय। राय इंडिया में टाइटल होता है राय, अभी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं स्टेट में उनका नाम है नित्यानंद राय। ये राय बंगाल वाले राय से थोड़े डिफरेंट होते हैं, ये जनरली यूपी और बिहार में पाए जाते हैं, तो आपको याद करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिलीपींस
जो कि इंडिया के साउथ ईस्ट में है, वहां पर ये टाइफून आया है राय। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में, इमेज में, इवैक्यूएशन का प्रोग्राम चल रहा है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ईरान कहता है कि नो न्यूक्लियर इमेज फॉर आईएईए अंटिल कर्व्स एंड। याद होगा ईरान ने कुछ दिन पहले, करीब एक महीना पहले, ईरान ने अपने कैमरा को डिस्ट्रॉय कर दिया था जो उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगे हुए थे, और ये कहा था कि वो किसी एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गया। आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि इस बात की खबर रखती है कि कौन कितना यूरेनियम कहाँ कैसे यूज कर रहा है, वो अक्सर टाइम टू टाइम चेक करने के लिए आते रहते हैं प्लांट्स पर। तो जब ये पहुंचे, इनका वो था, ईरान जब पहुंचे तो इनको कुछ नहीं हाथ लगा, कैमरा ही टूटा हुआ था, तो पता नहीं चला इनको कि ईरान यूरेनियम और प्लूटोनियम से बम बना रहा है कि सच में न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी पैदा करने के लिए चला रहा है। एक्चुअली यूएसए ने कर्व लगाया हुआ है, ईरान का कहना है यूएसए ने कर्व लगाया है, मतलब समझिए आप पूरे वर्ल्ड ने कर्व लगा दिया, सैंक्शन लगाया हुआ है। ईरान का कहना है कि जब तक ये कर्व्स नहीं हटेंगे, मैं तुम्हें कोई इमेज नहीं दूंगा कि मैं करके आ रहा हूँ प्लूटोनियम और यूरेनियम के साथ। सो ईरान और आईएई का ये रिश्ता बहुत पुराना है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, ये इंटरनेशनल न्यूज था। अब आ जाते हैं थोड़ा फाइनेंस में, फिजिकल में। एफडीए में डिक्लाइन 20% इन एफवाई 2022, लेकिन इस आर्टिकल पे नहीं जाना है, हो सकता है कल ही फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आ जाए कि एफडीआई 50% ज्यादा मिला है। तो ऐसे स्टेटमेंट को कभी भी रटना नहीं है, नजर रखना है हमेशा। एफडीआई एक डायनेमिक टॉपिक है जो हर सीजन में चेंज होते रहता है, आपको इसे रट नहीं लेना है कि अच्छा इसने 20% डिक्लाइन कहा है, अगले दिन मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, 6 महीने बाद बढ़ जाए और पेपर आपका 6 महीने बाद हो, आपको याद रहे तो डिक्लाइन बोला था, नहीं। कुछ टॉपिक डायनामिक होते हैं, एफडीआई उन्हीं में से एक है, ट्रेड उन्हीं में से एक है, ये सब स्टैटिक पोर्शन नहीं है। आईएमएफ से स्टेटमेंट आया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, जिसका काम है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस रखना, रेगुलेशन नीडेड फॉर क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल क्वाइंस, डिजिटल करेंसी जिसे किसी ने आज तक देखा ही नहीं, पैसा होता कैसा है, तो ये जो कैसा पैसा है क्रिप्टो करेंसी, अब आईएमएफ की तरफ से आया स्टेटमेंट कि इसे रेगुलेट किया जाए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, अगर एक वर्ल्ड लेवल का नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन ये बात कह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि आने वाला टाइम में क्रिप्टो करेंसी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। बाकी क्रिप्टो करेंसी आप डिटेल में जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जरूर गूगल करके एक बेस नॉलेज जरूर रखें इसके बारे में। देखते हैं अगले आर्टिकल्स को। मिनरल आउटपुट टू राइज विद चेंज टू रूल्स, मोर ब्लॉक विल बी ऑन सेल मिनिस्ट्री। ये कोल का ऑक्शन होता है नए रूल्स के अकॉर्डिंग, पता होगा आपको कोल स्कैम के बाद रूल्स लाए गए थे और बीजेपी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इसमें अमेंडमेंट किया हुआ है। तो मिनिस्टर साहब का कहना है कि अगर रूल चेंज हुआ तो मिनरल आउटपुट राइज होगा, यानी जो रूल है वो कहीं ना कहीं मिनरल आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ऑल रोल्स आउट सीएनजी व्हीकल ई कॉमेट स्टार। ई कॉमेट स्टार जो कि एक ई कॉमेट स्टार एक व्हीकल है जो सीएनजी पे चलता है, ये करेंट अफेयर में साइंस एंड टेक या कहीं से भी डाला जा सकता है इस चीज को। ई कॉमेट स्टार है क्या, नाम देखो है कॉमेट और स्टार, हम तो यही सोचेंगे कि कोई सेलेस्टियल बॉडीज होगा जो नासा ने खोजा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है और यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सो ई कॉमेट स्टार एक सीएनजी व्हीकल है जो अशोक लेलैंड ने रोल आउट किया है, ये आपको इतना बस याद रहे। आज के न्यूज में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल के साथ। नमस्कार।